जीवी के करीब आरक्षण है। दलित समुदाय के लोगों को ही नौकरी पे रखा जाता है। महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र में जो भाजपा की सरकार है, उसने तो 2 कदम आगे बढ़कर ये जियो ही जारी कर दिया कि जो स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट बनेंगे, उन टॉयलेट की सफाई के लिए फिर सफाई कर्म समुदाय के जो लोग हैं उनको रखा जाएगा। ये अनटचेबिलिटी इस भारत में मोदी सरकार में और तमाम जो विधानसभाएं हैं वहां पे चल रही है, इसके खिलाफ मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है बोलना। एक एक जो मौत हो रही है सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के समय, वो हत्याएं हैं और मुझे लगता है हम सबको उसे हत्या के तौर पर ही देखना चाहिए। और इन हत्याओं को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान जो चल रहा है पूरे देश भर में, इसी जंतर मंतर पर 25 अक्टूबर को यहाँ एक बड़ा जमावड़ा इसी तरह का हुआ था, उससे खुद को जोड़ने की भी जरूरत है। और एक ये अभियान तमाम जगह पर चलाने की जरूरत है कि कहीं पर भी जो देश का कानून है 2013 का, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर और सेप्टिक टैंक में नहीं उतारा जा सकता, उसका पालन होना चाहिए। और मोदी सरकार इसका जो उल्लंघन कर रही है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जगह जगह धरना प्रदर्शन पोस्टर लगने चाहिए और आम लोगों के बीच में स्वच्छ भारत का जो घोषणा है, जो साजिश है, उसे बेनकाब करना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर हिंसा हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है गटर में उतार के। मुझे लगता है यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं कि सीवर में जो लोग भी उतरते हैं, सेप्टिक टैंक में जो लोग भी उतरते हैं, अगर वो बच जाते हैं तो ये उनकी किस्मत होती है।